साल हो चुकी है। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 0 पैकेज जो है वो अवेलेबल है, मतलब कि हमने ऑलरेडी अपडेट कर चुका है। और साथ ही साथ आप मेमोरी यूसेज देख लें और सिस्टम यूसेज देख लें तो आपको जो है वो बहुत कम मिनिमम नज़र आएंगे। साथ में साथ आईपी एड्रेस भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और अब हम जो हैं हम इंस्टॉल करेंगे हमारी करल को। तो इस मकसद के लिए मैं कमांड लगाता हूँ। आप वर्जन भी देख सकते हैं, CURL, ठीक है, आपको ये वर्जन नज़र आ जाएगा। मैं क्लियर करता हूँ। फिर माइनस स्मॉल और बिग एंड एल SSL जिसे कहते हैं, HTTPS और इंस्टॉल .py-whole.net बैश, एंटर करता हूँ तो ये कमांड कर्ल है, सॉरी, तो एक और विजिट जो है वो शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा डाउनलोड करेगा पहले और फिर जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। सूडो की कमांड चाहिए तो सूडो का पासवर्ड चाहिए, तो मैंने सूडो का पासवर्ड डाल दिया। और साथ आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गई पाई होल की। तो यहाँ पर भी जो है आप पासवर्ड को, यहाँ पर भी जो है आप वो चेंज कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को। मैं ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि स्टैटिक आईपी चाहिए, आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं ओपन डीएनएस को सिलेक्ट करता हूँ। आप जो है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप क्लाउड फ्लेयर को भी यूज़ कर सकते हैं और Cod9 को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है सिस्को का जो है वो यूज़ करता हूँ डीएनएस, ओके करता हूँ। यहाँ पर ये लिस्ट लिस्ट हैं जो कि आपके लिए फ़िल्टरिंग करेंगी, तो मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। IPv6 IPv4 सबको सेलेक्ट करता हूँ, फ्यूचर में भी काम आएगी। ये आईपी एड्रेस है, आपसे पूछ रहा है कि आपने आईपी एड्रेस चेंज करना है नहीं करना, या ये यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं कहा है, मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ। लेटर जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंड करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, शो एवरीथिंग ऑफ कोर्स ये ओके करता हूँ। तो साथ ही साथ जो है इंस्टॉलेशन वो शुरू हो जाएगी। बैकग्राउंड में नीचे जो है हो रही है इंस्टॉलेशन और एट दी एंड में ये मुझे पासवर्ड देगा। ठीक है, ये देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है, एट दी एंड में मुझे ये एक रैंडमली जनरेटेड पासवर्ड देगा। उस पासवर्ड से जो है मैं लॉगिन हूँगा और अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करूँगा। सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ अगर मैंने कोई और पासवर्ड रखना हो। इसके अलावा जो है अगर आपने एडिशनल लिस्ट लिस्ट जो हैं फिल्टरिंग की लिस्ट जो हैं जो कि आपने ऐड कर आपने ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या हो गया कि आपकी जो वो होगी आपकी सिक्योरिटी और आपकी एडवर्टाइजमेंट और आपका इंटरनेट वो और फास्ट हो जाएगा, मोर रोबस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अभी ये कनेक्ट होगा इंटरनेट से और साथ ही साथ कुछ लिस्टें डाउनलोड करेगा, कुछ URLs डाउनलोड करेगा जो कि नॉन एक्सेसिबल होंगी, जबकि आफ्टर जब हमारा जो DNS होगा, चाहे राउटर का DNS है चाहे हमारा एक्सेक्ट्री का DNS है, उस पे पॉइंट करेंगे तो वो चीज़ें रिजॉल्वेबल नहीं होंगी, जिसकी वजह से हम सेफ होंगे सिक्योरिटी वाइज भी। देखें ये देखें ये लिस्ट है, इन URL से ये जो है डाउनलोड हो रही है। ये इसका हमने इसकी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकें।
ये हमारा एडमिन का पैनल है, वापस ये हमारा एडमिन का पैनल है, और ये हमारा पासवर्ड रेंडमली जनरेटेड पासवर्ड है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, और ये हमारी आईपी एड्रेस है। तो मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं अपने सिस्टम को एक दफ़ा फिर रिस्टार्ट करता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू रिस्टार्ट आफ्टर फिनिशिंग माई कॉन्फ़िगरेशन। सूडो री बूट, हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा। तो अब जो है हमारा सिस्टम रिबूट हो चुका है, तो मैं ऐसे यूबंटू यूज़र लॉगिन होता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि अपना अपने अपना सिस्टम जो है पाई जो है मतलब पाई डीएनएस उसको आपने अपग्रेड करना है, तो पाई होल माइनस यूपी, तो ये क्या करेगा कि ये जाएगा इंटरनेट पर, और जो पाई होल करने हैं जो वर्जन है वो प्लस जो उसका वेब सर्व सिस्टम है वो उसको अपडेट करेगा, क्योंकि मैंने न्यूली फ्रेश इंस्टॉल किया है तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पासवर्ड चेंज करना हो तो उसके लिए पाई होल माइनस ए स्पेस माइनस पी ये कमांड आप लगाएं, ठीक है, तो आप जो है ये डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड था इसको आप चेंज कर सकते हैं जो आपके लिए रैंडमली जनरेटेड है, ठीक है। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है कि न्यू पासवर्ड इंटर करें, तो मैं इसका न्यू पासवर्ड इंटर करता हूँ, ठीक है, कंफर्म करें, मैं कंफर्म करता हूँ, न्यू पासवर्ड सेट, ठीक। मैं फिर एक दफ़ा इसको रिबूट करता हूँ, सूडो सूडो रिबूट। नेक्स्ट हिस्से में हम जो है अपने सिस्टम को एक्सेस करेंगे और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।